नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है दोस्तों, उसको किस तरीके से आप अपने जीमेल आईडी पर जो है स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं हमेशा के लिए। और जब भी आप नया फ़ोन लेते हैं या किसी कारणवश आपका फ़ोन आपके पास नहीं रहता है, उस समय आप अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा जो आपकी कॉन्टैक्ट बुक होती है, जो ऐप होता है, यहाँ पर आप यहाँ जो सेटिंग्स का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है आपको कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट में इम्पोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट का, यहाँ पर क्लिक कीजिए। और अगर आपके पास इम्पोर्ट स्टोरेज डिवाइस है, अगर आपके पास कोई कार्ड है इंटरनल, तो वहाँ से आप कर सकते हैं ये, क्योंकि हमारे पास दोस्तों अभी ऐसा कोई कार्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस पे चलता हूँ और ये हमारे जो स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप ये ऊपर वाला सिंबल देख रहे हैं और जहाँ पर भी आप ये जी लिखा हुआ देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी जो है जीमेल के ऊपर स्टोर हैं। ये जितने भी आप यहाँ पर जी देख सकते हैं, अब जो जी पर नहीं है मैं उसको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये इसकी VCF फाइल बन जाएगी और मैंने यहाँ पर इसको ओके कर दिया है। ये एक्सपोर्टिंग इसकी स्टार्ट हो गई है और ये यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है। अब दोस्तों, आपको इसको ऐड कैसे करना है या फिर आप इसको अपनी जीमेल आईडी पर कैसे देख सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को चलना है, आप क्रोम पर चल सकते हैं और क्रोम पर चलने के बाद जो है यहाँ पर एक आपको लिखना है contact.google.com। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये गूगल का कॉन्टैक्ट्स जो आपकी जीमेल आईडी से सिंक्रोनाइज होता है, contacts.google.com, इस पर आप टैप कीजिए। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं। आप जीमेल आईडी देख सकते हैं, ये किस जीमेल आईडी पर ये कॉन्टैक्ट है। ये सारे कॉन्टैक्ट जो आप देख रहे हैं, ये जो है मैंने यहाँ पर ऑनलाइन कह सकते हैं जीमेल अकाउंट पर ये सारे देखिए यहाँ पर लगा रखे हैं। अब आपको दोस्तों और इम्पोर्ट करना है, तो आप यहाँ ये जो प्लस का साइन देख रहे हैं, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो तीन डॉट हैं, यहाँ आने के बाद आपको देखिए इम्पोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर हमारे 181 कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं। मैं इम्पोर्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मुझे वो फाइल जो है सेलेक्ट करनी है दोस्तों। तो मैं यहाँ सेलेक्ट फाइल पर जाता हूँ और जैसे ही फ़ोन में जाऊँगा तो फाइल्स में मुझे सबसे ऊपर जो है वही फाइल मिलेगी जिसको मैंने VCF फाइल बनाया हुआ है कॉन्टैक्ट के लिए। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये यहाँ सेलेक्ट हो गई है। इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर इंपोर्ट जो है शुरू हो गया है। नीचे आप मैसेज पढ़ सकते हैं इंपोर्टिंग, और ये देखिए ये इंपोर्ट हो चुका है। ये कॉन्टैक्ट जो है अब मेरी जीमेल आईडी पर अवेलेबल है और मैं जब भी इसको नए फ़ोन में लॉगिन करूँगा या वहाँ से इनको एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करना चाहूँगा तो ये आसानी के साथ यहाँ पर दिख जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप contacts.google.com का इस्तेमाल करके जो है इन सभी अपने कॉन्टैक्ट्स को जो आपके फ़ोन में होते हैं उन्हें यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को हमेशा अलाइव रखने का। और आप इसका यूज़ करके जो है दोस्तों बहुत ही कम समय में सारे कॉन्टैक्ट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज।